क्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू विदेरी न्यू टॉपिक दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट से पार्टीज कैसे फ्री हो जाती हैं फ्री का मतलब कि कब उनको अब कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं रहना पड़ता है नाउ नो मोर दे आर बाइंडेड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट दे आर फ्री फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिस्चार्ज भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया अब कितनी तरीके से डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का ये हम जानेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो अभी तक के स्टेज तक हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कैसे होता है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट है। में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है पार्टीज की क्या वैलिडिटी होती है बट द थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड यू शुड ऑल्सो नो हाउ इट्स एंड ओके सो वी विल सी कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है ऑल राइट सो दिस टॉपिक इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 62 टू 67 बेसिकली जो हमारा टॉपिक है बाय एग्रीमेंट तो ये आपका 62 टू 67 में है अदरवाइज डिस्चार्ज की बात जो होती है वो कई सेक्शंस में होती है वो हम हर सेशन वाइज डिस्कस करेंगे बट टुडे वी आर डूइंग द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्चार्ज दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट राइट right? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है कितने तरीकों से होता है और उसका जो फर्स्ट टाइप है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बाय एग्रीमेंट सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव स्टूडेंट्स दैट इज मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज कब कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाती हैं कितने तरीकों से फ्री हो जाती हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें ऐसे चार तरीके दिए हैं द फोर वेज वी हैव द वेरी फर्स्ट इज बाय एग्रीमेंट पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं कि भैया हमें अब अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है आइए इसको खत्म करते हैं या हम कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं व्हाट्सो एवर दैट इज थ्रू अ रिटर्न डॉक्यूमेंट बाय एग्रीमेंट तो ये हमें गिवन है 62 टू 67 एंड दिस टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दिस टॉपिक बाय एग्रीमेंट राइट द सेकेंड वे इज बाय परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मीन्स कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जैसा भी करने को बोला है आप वो कर दीजिए वो काम जो है उसको परफॉर्म कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सपोज कीजिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि आपका मैरिज हॉल बुक किया गया है उसमें शादी करनी है तो आपकी शादी हो गई कॉन्ट्रैक्ट खुद ख़त्म हो गया राइट द मीन्स की परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज सो दिस इज गिवन इन सेक्शन थर्टी टू थर्टी सेवन टू सिक्सटी सेवन राइट देन दर्ड वे वी हैव इज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कि काम जो लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्पॉसिबल हो गया अब करना इट्स नाउ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट देर इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट मैटर में हो गई या वॉट एवर द पार्टीज जो हैं पार्टीज जिसके साथ फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट था ए विल मैरी बीज डॉटर है ना ये हम बहुत सारे जगह मैंने आपको एक केस करवाया है ये कॉन्ट्रैक्ट है और बी की जो डॉटर है नाउ शी इज डेड उसकी हो चुकी है डेथ तो ए तो खुद ही फ्री हो गया कॉन्ट्रैक्ट से अब किसकी बेटी से शादी करेगा बी की तो डॉटर की शादी हो सॉरी uh, डेथ हो गई सो नाउ ही इज नो मोर बाउंड टू मैरी हिज डॉटर हिज डॉटर इज ऑलरेडी डेड इट बिकम्स मीन्स ये क्या मतलब हुआ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नाउ बिकम इम्पॉसिबल एंड दिस इज गिवन माई डियर स्टूडेंट्स इन सेक्शन 56 सेक्शन 56 बात करता है इंपॉसिबिलिटी के और एक तरीका ये भी है जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाते हो तो तीनों तरीके समझ में आए लास्ट वी हैव इज बाय ब्रीच बाय ब्रीच दिस इज गिवन इन सेक्शन 39 ब्रीच का मतलब है जब आप किसी भी टर्म या कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो ओके जो कि नेसेसरी कंडीशन है और अगर आपने उस कंडीशन को अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं किया इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट की क्या कर दी ब्रीच कर दी है ब्रीच मीन सपोज कीजिए ए इज द टेलर और उसके पास पार्टी बी का एक सूट बनने के लिए आया है और बी ने बोला है कि आई नीड दिस सूट टिल मंडे मंडे तक दे दीजिए बिकॉज वेंसडे को मेरे घर पर फंक्शन है ट्यूजडे को मेरे को आयरन वगैरह भी करवाना होगा एंड वट्स ओ एवर बट ए क्या करता है मंडे तक सूट को स्टिच uh, ही नहीं करता है राइट right? उसने स्टिच ही नहीं किया तो अब बी की तरफ से क्या हुआ बी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर देगा ना उसने ब्रीच करी ए ने क्यों नहीं किया उसका काम ही वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही शुड परफॉर्म हिज वर्क ही शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड नाउ एज ही डन द ब्रीच फ्रॉम हिज साइड बी इज फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और बी उस पर सीधा क्लेम करेगा डैमेजेस का राइट डियर स्टूडेंट्स सो दिस इज बाय ब्रीच आई होप अब यहां मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इन सबके बारे में इंट्रो दे दिया है थोड़ा बता दिया इंफॉर्मेशन कि कैसे चार तरीके होते हैं जो कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड इन टूडे सेशन माई डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज बाय एग्रीमेंट और ये सिर्फ आज के सेशन में कंप्लीट नहीं होगा इसके लिए हमें दो से तीन सेशन में ये कंप्लीट होगा बाय एग्रीमेंट सो लेट स्टार्ट वी हैव दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको करना ही नहीं पड़ेगा अब नीड नॉट बी परफॉर्म्ड दिस इज गिवन इन सेक्शन सिक्सटी टू ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देखिए इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पार्टीज जो एग्री कर लेती हैं कि हमारा जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है लेट सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट आइए उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रीवियस वाले कॉन्ट्रैक्ट को तो खत्म कर देते हैं और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और टू रिजाइंड या फिर जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज ए भी उसमें राजी है और बी भी है कि हमें अब आपस में नहीं डील करना हमें कॉन्ट्रैक्ट को लाइए खत्म ही कर देते हैं कोई नया भी नहीं बनाते ये फर्स्ट सिचुएशन हुई सब्सटीट्यूट सेकेंड रिजाइंड ही कर देना और थर्ड है और इट या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस ले आते हैं ठीक है ना विद सम चेंज सो समरेशन तो इन तीनों ही तरीकों से रिजाइंड करना या सब्स्टिट्यूट करना या ऑल्टर करना गिव्स दैट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है राइट इट मींस नाउ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्मड इट्स नाउ ऑटोमेटिकली एंड एंडेड फॉर्मेंस जो थी वो डिस्चार्ज हो गई आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल बदल दिया है तीन तरीकों से या तो नया बना दिया उसकी जगह या उसमें कोई चेंजेस ले आए या दोनों ही नहीं मिलकर उसको रिजाइन कर दिया इट मीन नाउ नो नीड टू परफॉर्म एंड यू आर फ्री फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट दिस इज गिवन इन सेक्शन सिक्सटी टू ऑटोमेटिकली सो अब हमने इसमें पढ़ा है क्या फर्स्ट थिंग नोवेशन नोवेशन मीन्स लेट्स ब्रिंग अ चेंज इन इट और सॉरी लेट द न्यू वन ये पढ़ा था हमने बिल्कुल फर्स्ट सब्सटी दिस वन सब्सटीट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट कि जो पुराना है उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो इस टर्म को क्या बोला जाता है माईडियर स्टूडेंट्स नोवेशन एंड जुडिशरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जुडिशरी में नोवेशन का मतलब आया है डेफिनेशन दी गई ही थी और आपको चार ऑप्शन थे तो उसमें आपका आंसर बन रहा था नोवेशन तो नोवेशन समझिए क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड नोवेशन इज द सब्स्टिट्यूशन सब्सटीट्यूट करना किस चीज को जो ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बदल देना उसको नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदल देना मतलब सब्सटीट्यूट कर देना आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया केस था वर्सेस इट वाज सेड दैट नोवेशन को आप दो तरीकों से ला सकते हो मतलब आप सब्सटीट्यूशन दो तरीकों से कर सकते हो किस तरीके से या तो चेंज ऑफ द पार्टीज पार्टीज ही बदल गई अब कॉन्ट्रैक्ट में सपोज पहले कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में अब बन गया है एज सन के बीच में और बीज सन के बीच में तो पार्टीज बदल गई मेडिया स्टूडेंट्स है ना तो ये क्या हो गई नोवेशन या फिर सबस्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड या फिर ए और बी ने ही खुद से ही पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और न्यू वन पे साइन किया तो दो तरीकों से ये नोवेशन की जाती है राइट right? तो आई होप आपको ये टर्म भी अच्छे से समझ में आ गई नाउ यू गेट क्लियर अबाउट दिस देन वी हैव आवर सेक्शन 67 जो हमारा सेक्शन 63 है माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टिल देन सेक्शन 67 पर बात करते हैं आपको उनसे पहले ये चीजें समझने की जरूरत है नोवेशन समझ में आया 62 नाउ इंटरडिपेंडेंट प्रॉमिसिस क्या होते हैं सेक्शन 67 हमें बताता है इंटरडिपेंडेंट प्रॉमिसिस व्हाट इट सेज बहुत ध्यान से देखिएगा वेयर प्रॉमिसिस आर इंटरडिपेंडेंट सो दैट कि एक पार्टी जो है कैन नॉट परफॉर्म इट विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द अदर इंटरडिपेंडेंट मीन दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे की नीड होगी परफॉर्मेंस के टाइम परफॉर्मेंस करते हुए वन पार्टी कैन नॉट परफॉर्म विदाउट द कॉपरेशन और विद द हेल्प ऑफ द अदर सो अगर ऐसे टाइम पर जो दूसरी पार्टी है डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटीज अगर दूसरी पार्टी हेल्प ही ना दे वो फैसिलिटी ही ना दे काम करने की तो पहले वाला कैसे करेगा पहले वाला तो नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों को पता है कि हमें एक दूसरे का जरूरत है काम के लिए तो दूसरी पार्टी अगर पहले वाले की हेल्प नहीं कर रही है देन माई डियर स्टूडेंट द फॉर्मर इज एक्सक्यूज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वो करेगा ही नहीं वो कह देगा कि आपने मेरी हेल्प नहीं करी नाउ आई एम फ्री दिस इज इंटर डिपेंडेंट ये भी एक तरीके की चीज है जिससे क्या फ्री हो जाते हो तो इसका मतलब समझिए इसमें क्या है ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ ये हमारा केस था मैकिन वर्सेस वेटकिसन मैकिन वर्सेस वेटकिन इस केस में क्या था ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि तुम मेरे घर में कुछ रिपेयर्स करनी है वो रिपेयर कर देना हो गया बी आता है उसके घर पे सॉरी ए आता है नाउ बी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू प्लेसेस इन विच द हाउस रिक्वायर्स रिपेयर वो ए को बताता ही नहीं है कि किस किस जगह पर रिपेयर की जरूरत है अब आपके घर पे कोई रिपेयर वाला पर्सन आया है आप उसको बताओगे ही नहीं कि वेयर द दैट थिंग इज रिक्वायर्ड वेयर द रिपेयरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन योर हाउस कहाँ पर आपको थोड़ा रेनोवेट करवाना है तो क्या दूसरे पर्सन को पता होगा आपके घर की चीज़ों का सो नाउ इन दिस सिचुएशन ए वॉज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ए कम्पलीटली एक्सक्यूज किया गया ए के ऊपर कोई ड्यूटी ही नहीं बनती वो तो कहेगा आई वॉज एट द प्लेस वेयर द टास्क इज टू बी डन बट मेरी हेल्प नहीं की गई थी या मुझे फैसिलिटीज नहीं दी गई थी देन आई एम एक्सक्यूज सो इफ इट इज कॉज बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल अगर दूसरे पर्सन की रिफ्यूजल या उसने जो नहीं बताया इस वजह से है तो वो एक्सक्यूज है राइट द सेक्शन सिक्सटी सेवन ऑल्सो परमिट्स द पार्टीज कि वो इस टाइम पर आकर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड कर दे खत्म कर दे हमने पढ़ा है ना रिजाइंड कर देना थर्ड uh, पढ़ा था इसमें सेक्शन दिस एग्रीमेंट में या तो आप रिजाइंड कर दो या या फिर substitute करो या alter करो तो so, ये resigned होता है राइट सो बाय एग्रीमेंट कैसे आप खत्म कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को ये समझ में आया है इसका जो सेक्शन सिक्सटी थ्री रहेगा वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी इन वॉचिंग सो कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच इट थैंक यू